हेलो दोस्तों, तो आज है हमारा शिरडी में तीसरा दिन। हम लोग निकल चुके हैं नासिक के लिए। अभी टाइम हुआ है 10:30। हम लोगों ने अपने होटल में ब्रेकफास्ट कर लिया है। हम लोग जा रहे हैं नासिक। आज का हमारा प्लान है, हम पहले नासिक जाएंगे। नासिक में हम मुक्तिधाम मंदिर जाएंगे पहले, और उसके बाद हम जाएंगे पंचवटी। पंचवटी के बाद हम लोग निकलेंगे त्रिमकेश्वर के लिए। तो ये है हमारा आज का प्लान, आइए चलते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं रोड तो खाली है और व्यू भी आसपास अच्छे हैं। बाहर धूप थोड़ी तेज़ है जिसकी वजह से बाहर थोड़ी गर्मी है, लेकिन बाहर व्यू अच्छे है और रोड पे भी भीड़ कम है। तो अब हम लोग नासिक पहुंच चुके हैं और नासिक में थोड़ी भीड़ है कंपैरेटिवली। तो पहले हम जाएंगे नासिक में मुक्तिधाम मंदिर। तो दोस्तों मुक्तिधाम मंदिर पहुंच चुके हैं, तो हमने मंदिर अंदर एंट्री कर ली है। तो मंदिर के मेन गेट पे जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों मंदिर की बात करें तो पूरा मंदिर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। तो दोस्तों ये है मुक्तिधाम मंदिर की मेन एंट्रेंस। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर वाइट मार्बल से बना हुआ है और मंदिर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों अंदर मंदिर में एंट्री करते ही ये काफ़ी बड़ा हॉल है और आप देख सकते हैं काफ़ी सारी विंडो लगी हुई, जिसकी वजह से वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। अंदर घुसते ही बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है। मे बी ये मार्बल से बना हुआ है इसलिए। बाहर टेम्परेचर देखोगे तो बाहर थोड़ी गर्मी है, लेकिन अंदर काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो मंदिर के अंदर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए चलते आगे। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं राम दरबार है, जो कि काफ़ी सुंदर बना हुआ है, काफ़ी सुंदर सजाया हुआ है। तो दोस्तों इंडिया के अंदर शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं अलग अलग जगहों पे, तो ये सारे उन्हीं के रेप्लिका है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के रेप्लिका बनाए हुए हैं, जो कि दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक साथ सबको देख सकते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। फ़ोन ले जाना अलाउ है, लेकिन आप वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो नहीं खींच सकते हैं। तो मेरे को पता नहीं था, मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी, तो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वहाँ के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया ये 12 लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग थे। ये हनुमान जी का स्टैचू बना हुआ है मंदिर के अंदर, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में। ये है जब रावण सीता जी का हरण करने आता है, उसका दृश्य था। और ये देखिए काफ़ी अच्छे स्टैचू मंदिर के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, तो मैं सारे स्टैचूज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन स्टैचूज़ बहुत अच्छे बने हुए हैं। लेकिन आप नासिक आ रहे हैं तो मुक्तिधाम मंदिर ज़रूर आइए, आप लोगों को आके बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को पर्सनली मंदिर बहुत बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मंदिर बना हुआ है। काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे भव्य स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग भगवान के। तो नासिक आ रहे हैं तो मुक्तिधाम ज़रूर आइए। तो दोस्तों अब हम नासिक के अंदर पंचवटी आ चुके हैं। ये है पंचवटी। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं बना पाया हूँ, पर मैं कुछ पिक्स के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो ये है काले राम मंदिर। यहाँ पे राम जी की काले
कलर की मूर्ति है, स्टैचू है कह सकते हो, राम जी सीता जी की और लक्ष्मण जी की, इसलिए मंदिर का नाम काले राम मंदिर पड़ा है। कहते हैं कि जब रावण सीता जी को हरण करके ले गया था तो राम जी को इतना गुस्सा आया था कि वो काले पड़ गए थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम काले राम मंदिर पड़ा है। तो ये पंचवटी है, राम जी यहाँ पे 2-2.5 साल के लिए अपने वनवास के टाइम में यहाँ पे रुके थे। यहाँ पे उस टाइम के 5 पुराने पेड़ है जो आज भी है यहाँ पे, तो काफ़ी पुराने मंदिर है यहाँ पे पंचवटी में। तो पंचवटी में हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे हैं, हम काले राम मंदिर गए हैं और थोड़ा घूमे और वहाँ से आ गए हैं। तो अब हम लोग निकल रहे हैं त्रिमकेश्वर के लिए। तो दोस्तों अब हम त्रिमकेश्वर के लिए निकल चुके हैं। मैं आपको बता दूं, त्रिमकेश्वर का जो रास्ता शिरडी से है वो अराउंड 2.5 से 3 घंटे का है और रास्ता काफ़ी अच्छा है, आसपास पहाड़ है, ग्रीनरी है और रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। त्रिमकेश्वर में भगवान शिव जी का मंदिर है जो कि कहते हैं इंडिया के अंदर 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग त्रिमकेश्वर के अंदर है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं त्रिमकेश्वर। इस सामने जो रास्ता जा रहा है ये है मंदिर के रास्ता, तो इस रास्ते पे हम सीधा जाएंगे। इसी रास्ते पे सामने ही भगवान शिव का मंदिर है, आसपास मार्केट है, छोटी छोटी दुकानें हैं खाने पीने की है और भी टॉयज की और भी काफ़ी सारी शॉप्स है। तो आइए पहले चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं। दोस्तों रास्ते के अंदर छोटी छोटी शॉप्स बनी है काफ़ी सारी खाने की, जिन्हें देख के आप लोगों को भूख लग जाएगी, बट पहले हम लोग दर्शन कराते हैं फिर आते वक्त खाना खाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ है खाने की। तो पहले हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करेंगे फिर आते टाइम यहाँ पर खाना खाएंगे। तो दोस्तों ये सामने मंदिर की एंट्रेंस है, आसपास प्रसाद की और फूलों की शॉप्स है, यहाँ से आप प्रसाद और फूल ले सकते हो, लेकिन बताया जा रहा है कोविड की वजह से अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाया जा रहा है, तो आप जब आओ तो देख लेना इस बारे में। और यहीं पे ही पास में अपने आप शूज़ उतार सकते हैं, तो शूज़ उतारते हैं और चलते हैं अंदर मंदिर के अंदर। तो हम लोगों ने मंदिर के अंदर एंट्री कर ली है। मंदिर में एंट्री करने की मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 लाइनें लगती है। एक लाइन लगती है 200 रुपये पर पर्सन, जिसमें भीड़ कम होती है, जैसे ये लोग VIP लाइन बोलते हैं। और सामने आप देख सकते हैं वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, वहाँ पे पता नहीं फ्री है या 50 रुपये या 20 रुपये, मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो आप कोई सी भी लाइन से आ सकते हैं, हम लोगों ने 200 रुपये पर हेड वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। कंपेरेटिवली आज दूसरे दिनों के मुकाबले यहाँ पर भीड़ कम है, पिछली बार हम आए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, जो शिवलिंग है वो नीचे है, तो हम लोगों को जब पास पहुंचेंगे हमें नीचे देखना है, नीचे हमें शिवलिंग दिखाई देगा। और दूर से जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ पे शीशा लगा हुआ है और ऊपर TV भी लगा हुआ है, आप शीशे में भी शिवलिंग को देख सकते हैं।
फ़ोन ले आना मंदिर में अलाउ है, लेकिन शायद वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने शीशे के अंदर शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो शिवलिंग है। पास जाओगे तो आपको वो नीचे दिखाई देगा, अभी उस सामने देख रहे हो वो शीशे के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवलिंग जो है वो नीचे है। दर्शन कर आए हैं, हम लोग बाहर आ चुके हैं। हम लोगों के दर्शन काफ़ी अच्छे रहे, पिछली बार भीड़ ज़्यादा थी कंपेरेटिवली, लेकिन इस बार ही भीड़ कम थी तो दर्शन अच्छे से हो गए हैं। यहाँ पे एक कुंड भी है, अभी शायद वो कुंड बंद किया हुआ है, मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कुंड। तो हम आ गए उसी शॉप पे, जो शॉप मैंने आप लोगों को दिखाई थी मंदिर जाते वक्त, ये शॉप हम लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही थी, जिसे देख के बहुत भूख लग गई थी, तो हम यहाँ पे अब थोड़ा नाश्ता करेंगे। हम लोगों ने सुबह ब्रेकफास्ट किया था होटल के अंदर, उसके बाद कुछ नहीं खाया, तो हम यहाँ पर कुछ खाएँगे और फिर वापस निकलेंगे होटल के लिए। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वापस अपने होटल के लिए। आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, कल हम लोग वापस निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। बाय बाय।